तेल पाइपलाइन पर बनाई गई सुरंग फर्जी तेल कंपनियों को बनाकर बेचते थे। जयपुर में पकड़ी गई डीजल चोर गिरोह के सदस्य हिंदुस्तान पेट्रोलियम के पाइपलाइन में सेंध लगाकर 5 साल में करीब 110 करोड़ रुपए की कीमत का डीजल चोरी कर चुके हैं। पुण्य मूल्यांकन के बाद 30% विद्यार्थी उत्तीर्ण। मुंबई विश्वविद्यालय में पुण्य मूल्यांकन के बाद 30% विद्यार्थी के परीक्षा में उत्तीर्ण होने की खबर है। विज्ञान और इंजीनियरिंग की प्रवक्ता को छोड़कर अन्य सरकारों में रिवॉल्यूशन में 2 में से मची गड़बड़ी का पता चलता है। कुल उत्तीर्ण विद्यार्थी में से 16,388 विद्यार्थियों ने पुनः आवेदन किया, उसके बाद वे पुनः उत्तीर्ण घोषित किए गए। करीब 1.5 लाख उत्तीर्ण पत्रिकाओं में से 97,000 में गलत मार्क्स देने की बात सामने आई है। MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।